प्रदेश सरकार लगातार अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कार्य कर रही है और उसी क्रम में श्योपुर जिले के कराहल थाना क्षेत्र में हथियार की नोक पर लूट करने वाले आरोपी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जहां आरोपी के पास से कारतूस सहित चोरी की गई अन्य वस्तुओं को भी जब्त किया गया। देखिए रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला श्योपुर जिले के कराहल थाना क्षेत्र का है, जहां श्योपुर से ओछापुरा रोड पर व्यापारी परिवार के साथ हथियार की नोक पर लूट करने वाले तीन आरोपियों में से एक आरोपी को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। इस पूरी घटना में तीन लोग शामिल थे, जहां पकड़े गए आरोपी से लूटा गया सामान जब्त कर लिया गया। अगस्त के 11 बजे लगभग कराहल थाना क्षेत्र में गौर से पहले मेन रोड पर हाईवे है, तो गाड़ी उन्होंने रोकी और उसको जो है उन्होंने अंजाम दिया और कट्टा दिखा करके उनके गले से पहने हुए आभूषण थे वो जो है उन्होंने ले लिए थे। लगभग 3-3.5 तोला लगभग तोला सोना था और वहाँ से तीनों लड़के जो है गाड़ी से निकल के अपनी गंभीरता को समझते हुए मैं स्वयं एडिशनल SP और पूरे अनुवाग का और आसपास के जो थाना प्रभारी थे उनको सबको बुला करके वहाँ सर्चिंग करवाई गई और बाकी हमने जो है चूंकि उनका कार का उपयोग करके फायर करके लूट करते थे उस टीम को हमारी श्योपुर की टीम ने जिसको प्रेस किया है और सभी के ऊपर जो इनाम घोषित था वो हमारी टीम का जो अच्छा कार्य है, शेष दो आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे तो उनको उतना पुरस्कार भी हम पूरी टीम को देंगे। आपको बताते कि घटना में शामिल दो बदमाश अभी फरार है, जिनको पुलिस लगातार सर्च कर रही है। पकड़े गए आरोपी पहले भी इस प्रकार की लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, श्योपुर।